हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को पता है कि नीट 2024 की जो डेट है एनटीए ने रिलीज कर दी है, सबको डेट्स पता चल ही चुकी है। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गई, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि थोड़ा सा ना जो बच्चों को देखो लास्ट ईयर एडमिशन नहीं मिल पाया, लो स्कोर वालों को, तो वो निराश ना होइए। 2024 की प्रिपरेशन कीजिए, कुछ ही मंथ्स हैं, अपना प्रिपरेशन प्लान रेडी कीजिए, सब चीज कीजिए, अपने माइंड में डेट्स रख के चलिए, कब एग्जाम है उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपना प्लान बनाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट ईयर आपको कौन से स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, तो आपको क्या करना चाहिए, जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको कितने मार्क्स आने चाहिए, तो ये सब अपनी प्रिपरेशन करके चलिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं इस वीडियो में नीट 2024 की इंपॉर्टेंट डेट्स। आप सबको पता है, मैं आपको एक एस्टिमेट बता देती हूँ कि इस मंथ में क्या क्या होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी मार्च में, स्टार्ट हो जाएंगे 2024, और फाइनल सबमिट डेट रहेगी लास्ट रजिस्ट्रेशन की अप्रैल में, कोई डेट आ जाएगी 2024 तक रहेगी। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी अप्रैल में ही, और अप्रैल फोर्थ वीक तक, लास्ट वीक तक आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। 5 मई 2024 को एनटीए ने रिलीज करा है नीट का पेपर होगा। सबको पता है ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, पेन एंड पेपर के मोड में पेपर होता है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको ये भी माइंड में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी वहां पे होती है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो गलत हो जाए, आपको नहीं आता हो, तो उसकी का बहुत ध्यान रखना है। बहुत टाइम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाता है, कैलकुलेशन निकालते हैं बहुत अच्छा जाता है, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चों के स्कोर जो है बहुत कम हो जाता है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको जो पढ़ाई करनी है वो एनसीईआरटी की बुक्स करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको अपना स्टडी प्लान रेडी करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ये करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब आपके माइंड में, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, रिजल्ट भी आपका जून 2024 में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जनरल वालों के लिए 1700 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, जनरल EWS OBC NCL वालों के लिए 1600 रुपये का होगा, SC ST वालों के लिए 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। आपको पता है कि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, क्वेश्चन भी आपके 720 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन भी 100 से 80 तक क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होता है, और लास्ट ईयर 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम हुआ था, ये आपको माइंड में रखना है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें, इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में किस स्कोर पर मिला था। देखो भाई, स्टेट कोटा के बच्चों के लिए तो ऑप्शन है, स्टेट कोटा में तो आप बाद में जाते हो, सबसे पहले तो आप MCC राउंड के लिए जाते हो, ऑल इंडिया राउंड के लिए जाते हो, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 618 पे आपको कॉलेज मिल गया था बच्चों को। और उसके बाद SC, देखो मैं तो आपको जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट वैकेंसी। SC ST के लिए अगर आपका स्कोर 450 से 480 या 500 तक आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बन जाते हैं, उनके पास ये बेनिफिट है। उसके बाद जनरल वालों के लिए सेकेंड राउंड में 612, जनरल वालों को तो ध्यान रखना है कि 600 से प्लस ही मार्क्स लाने हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, सब चीज़ कीजिए, मैं आपको हमेशा ही बताती आई हूँ। और 2024 के लिए कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ऑलवेज मैं कहती हूँ, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉलेज एडमिशन।